हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब दुनिया लाइव। और हम फिर एक बार हाजिर हैं कैंपस में यूथ से जानने के लिए कि करंट टॉपिक पे क्या है उनका व्यू। और इस बार का हमारा टॉपिक है एंटी रोमियो दल। जी हाँ, चलिए बात करते हैं युवाओं से कि क्या कहना चाहते हैं वो इस बारे में। आई एम फ्रॉम यूपी, और मैं यूपी के लिए ये बोलूँगी कि जो अभी जो स्टार्ट हुआ है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं अभी एमपी में हूँ, इसलिए मुझे यूपी का अभी ज़्यादा पता नहीं है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन आपने बताया जैसे कि वहाँ पे जो बॉयज़ जो लड़कियों को छेड़ते थे, वो अब बंद हो रहा है, तो वही अच्छी बात है। एंड जैसे कि इन्होंने बताया कि यूपी में जो स्टार्ट हुआ है, मेरे ख्याल से सारे स्टेट में होना चाहिए, देन पूरे अगर इंडिया में हो तो और भी बेटर है। एमपी में तो आई थिंक मैं अभी तक तो सिक्योरिटी बहुत फील कर रही हूँ, और यूपी के लिए मेरी फ्रेंड यूपी से है, सो आई एम हैप्पी फॉर देम। थैंक यू। अगर ये सिर्फ लड़कियों की सेफ्टी के लिए है तो बहुत अच्छी चीज़ है, जो लड़के परेशान कर रहे हैं उनके लिए तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर जैसे कि कुछ ग्रुप रहता है, चिल आउट करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं, बातें करते हैं या कुछ भी अपने पर्सनल पॉइंट्स व्यू करते हैं, तो वहाँ पे अगर उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत भी है। सो मे बी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो ग्रुप कैसा है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि इंदौर में बजरंग दल बहुत फेमस है, वैलेंटाइन डे पे सब पकड़ के एंड वो लोग एक्शन लेते हैं कि पब्लिक में लोग गलत हरकतें ना करें। तो यूपी में अगर ये कोई चीज़ स्टार्ट हुई है तो ये एक इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, साथ में लड़कियों की सेफ्टी जोन के लिए बहुत अच्छा है कि लड़कियाँ हर जगह फ्रीली घूम सके, लड़कियों की तरह अपनी इंजॉयमेंट कर सके हर जगह पर। इनफैक्ट यूपी में हम लोग बहुत केसेस सुनते हैं कि ईच एंड एवरी गर्ल हैव टू फेस एवरीथिंग, जो भी उनको मोलेस्ट किया जाता है हर एक तरीके से। तो यूपी में ये जो चीज़ें हुई हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ की लड़कियाँ भी एक नॉर्मल लाइफ इंजॉय कर सकती है, सेफ्टी फील कर सकती है। और एक लड़कियों की तरह मतलब रहता है ना कि लड़कियाँ एक कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी सोचते हैं कि यार लड़कियाँ हो 7 बजे के बाद मत निकलो, बॉयज़ के साथ ज़्यादा मत घूमो, अपना एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो उन्हें भी ऐसा लगेगा कि नहीं, अब हम भी दूसरी लड़कियों की तरह, दूसरी शहर की तरह, दिल्ली की तरह हम भी बाहर निकल सकते हैं।